हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे और बारिश का फुल टू मजा ले रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का बहुत 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 हाथ जोड़कर धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर फैमिली बनाने के लिए। दोस्तों, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इस स्टेज पे पहुंच पाऊंगा। ये सब आप ही के कारण है, बिल्कुल आप ही के कारण, आपके सारे प्यार, आपके सारे भरोसे के कारण। कोशिश पूरी रहेगी, ऐसे ही आपको बढ़िया सी राइड्स देते रहूं। जुड़े रहिए, बने रहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि योगेंद्र भाई, आपके ना राइडिंग गियर दिखाइए हमें, उस पर एक वीडियो बनाइए आप। तो दोस्तों, अब बेसिक चीजें से लेके एडवांस चीजें तक होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मेरा कलेक्शन क्या है जो कि मैंने ओवर द टाइम परचेस किया। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने वो वन शॉट में सब कुछ ले लिया। तो टोटल आज मैं आपको 12 से 13 आइटम्स बताने वाला हूं जो कि एसेंशियल है अगर आप राइड पे जाते हो। तो आज का हमारा पहला आइटम है हेलमेट, ऑब्वियसली दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये मेरा हेलमेट है जो कि MT Thunder 3 SV है। ये मैंने कोविड से पहले अराउंड लगभग 3 या 3.5 4 साल पहले परचेस किया था ऑफलाइन स्टोर से। ये मुझे अराउंड 6500 पड़ा था। ये Thunder 3 SV मॉडल है MT का, और ये हेलमेट DOT and ECE बोथ सर्टिफाइड है। सो बेसिकली सर्टिफिकेशन होते हैं हेलमेट के, ताकि कितना लेवल ऑफ सेफ्टी है, कितना वो इम्पैक्ट झेल सकते हैं। तो USA में अलग स्टैंडर्ड होता है, आपका UK में अलग स्टैंडर्ड होता है, और इंडिया में जैसे ISI मार्क होता है, तो उसी तरीके से तो ये हेलमेट एक्चुअली सारे स्टैंडर्ड पास करता है। तो आप कोई सा भी हेलमेट खरीद सकते हो, मार्केट में काफी कंपनीज अवेलेबल हैं। जैसे ये MT है, LS2 आता है, काफी अच्छा ब्रांड है, प्रीमियम हेलमेट तक आते हैं उसमें। एग्जॉर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बजट रेंज में बहुत अच्छे हेलमेट देता है एग्जॉर। तो काफी कुछ है, आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे इस हेलमेट में ये मेन वाइजर है, उसके बाद यहाँ पर ये एक सन वाइजर भी आता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हेलमेट होते हैं इनमें ना, ये जो कुशनिंग होती है, देखिए आप अंदर अगर दिखाऊं आपको, तो ये जो कुशनिंग होती है ना, ये कुशनिंग रिमूवेबल कुशनिंग होती है, ताकि इसको आप निकाल के ना वॉश कर सके हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो ये हेलमेट हो गया जो कि बहुत जरूरी है। ये मैंने चिन माउंट लगाया था अपने गोप्रो के लिए। भाई साहब, आपको वीडियो बना के दिखाना है तो ये हेलमेट सेटअप चाहिए चाहिए, राइट। और ये एक दूसरी चीज, ये मैंने आज अपने राइडिंग गियर एसेंशियल में कवर नहीं की, बिकॉज दिस इज नॉट अ बेसिक थिंग, दिस इज काइंड ऑफ एडवांस थिंग। ये इंटरकॉम है, ये ब्लू आर्मर C30 इंटरकॉम है, ये एंटीना है इसका ये देखिए। सो बेसिकली ये इंटरकॉम करता क्या है कि अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ राइड पे जाते हो, तो ये उनको आपस में कनेक्ट कर देता है विदाउट फोन कॉल, विदाउट ब्लूटूथ। इसका खुद का मेश नेटवर्क होता है, तो अराउंड 1.2 किलोमीटर की रेंज में 2 राइडर कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे टोटल 30 हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी यूटिलिटी वाली चीज है, लॉन्ग राइड्स पे काम आती है, बट इतनी एसेंशियल नहीं है, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी दोस्तों। तो चल बढ़ते हैं दूसरे आइटम की ओर। तो हमारा दूसरा आइटम है इनर वेयर्स। सो बेसिकली देखिए, ये चीज बताने की तो नहीं है, बट काफी लोगों के मन में होगा कि इतना लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो कैसे आप मैनेज करते हो। सो बेसिकली ये इनर वेयर सॉफ्ट मटेरियल के हैं, ये डेकेथलॉन से आप ले सकते हैं दोनों, एक्चुअली राइनॉक्स और ये सब कंपनीज के भी आते हैं, बट आई सजेस्ट कि डेकेथलॉन से आप जो जो बाइसिकल चलाते हैं, तो आपने देखा होगा ना, वो पतला पतला राइडिंग गियर पहनते हैं, उस टाइप के इनर हैं ये, टी शर्ट्स और लोअर काइंड ऑफ थिंग है, ये आप ले सकते हो। क्योंकि आपको जब राइड करते हैं लॉन्ग टाइम पे, तो काफी स्वेटिंग होती है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको और आपको कंफर्टेबल लगता है। तो इसकी कॉस्ट अराउंड मुझे दोनों मिला के 1800 थी, 900 ईच, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, इससे आप कंफर्टेबल रहोगे। और एक और चीज है कि आपके ये जो क्लोथ्स है, कपड़े हैं, ये आप सेपरेट रखोगे। आप राइड करके जाते हो, नाइट स्टे करते हो, तो ये आप एक साइड रख दो आपके फ्रेश कपड़े, फिर उसके बाद पहन लो, तो आपको वही बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी टू वॉश रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो रिकमेंडेड है ये। बाकी आप अपने हिसाब से अपना इंटरनल टी शर्ट और लोअर पहन सकते हो, बट अगर आप लेते हो तो काफी कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग राइड्स पे। अब भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम, जैकेट, जो कि आपने देखा होगा सभी राइडर्स के पास रहता है, और ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है दोस्तों। हेलमेट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। अब मेरे पास ये जो जैकेट है, ये राइनॉक्स स्टील एयर जैकेट है, एक बार कंफर्म कर लूं, हाँ, राइनॉक स्टील एयर प्रो जैकेट है, जो कि अराउंड कॉस्ट किया था मुझे 9850।
राइट। ये बेसिकली एडवेंचरस जैकेट है, एडवेंचर बाइक में जो पहनते हैं ना, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें ये ऐसे बेल्ट्स हैं, ये ऐसा, तो ये आप पीछे से दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ये और ये, यहाँ पर आपको काफी ये बेल्ट्स और ये सब लगे हुए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैकेट काफी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, जरूरी नहीं है राइनॉक्स का लीजिए आप, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं मार्केट में अवेलेबल, आप वो ले सकते हैं, बट आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें आर्मर्स होते हैं प्रोटेक्टर, जैसे यहाँ पर शोल्डर पे होता है, एल्बो पे होता है, मेरे इस जैकेट में चेस्ट पर भी है बेसिकली, कुछ जैकेट्स में नहीं होता है बट इसमें चेस्ट पर भी है, और एक यहाँ पर बैक पर होता है बड़ा प्रोटेक्टर। तो ये काफी अच्छी चीज है, आपको राइडिंग के टाइम अगर आप क्रैश होते हो, छोटा मोटा फॉल होता है, तो उसमें बहुत मदद करती है आपको। और थर्ड आइटम दोस्तों आता है राइडिंग पैंट्स, ये देखिए, अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा दूर जाकर, ये देखिए। सो ये मॉडल जो है मेरे पास, ये भी राइनॉक्स की तरफ से है, इसका मॉडल है स्टील्थ इवो पैंट, ये मुझे लगभग 8950 का पड़ा था। बेसिकली मैंने ये इसलिए लिया कि जो जैकेट है मेरा उससे ये पूरा मैच होता है, तो कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप राइनॉक्स का ही लो, और भी काफी कुछ आता है। जरूरी पैंट मैं बोलूंगा अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पैंट ना लेके आप नी गार्ड भी ले सकते हो, बट नी गार्ड थोड़ा सा क्या होता है लॉन्ग राइड पे डिफिकल्ट हो जाता है चलना, वो पैर से खिसकता रहता है, कई बार उसका बेल्ट खुल जाता है, बाकी ठीक है ले सकते हो आप स्टार्ट के लिए, बट आप पैंट कंसीडर करोगे तो काफी कंफर्टेबल होता है। शुरुआत में जब आप पहनोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना क्या भारी भारी आइटम पहन लिया मैंने, बट स्टिल एक बार जब आप पहन लोगे ना तो आपको फील नहीं होगा। और एक और चीज अच्छी होती है कि अगर आप पैंट पहनते हो ना तो आपको कभी भी राइड पे एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती राइडिंग के लिए, अदरवाइज आप मान के चलो एक दिन जाओगे, एक दिन जीन्स या पैंट पहनोगे, वो खराब हो जाएगी रास्ते में, फिर एक कैरी करना पड़ेगा, एक रिटर्न के लिए रखना पड़ेगा। तो अगर आप पैंट पहनते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बढ़िया अपने कपड़े सेपरेट रखिए, पैंट पहनिए राइडिंग के टाइम, और फिर उसके बाद जब भी आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, वहां उसको निकाल के साइड में रख दीजिए। तो बढ़िया आइटम है, कंसीडर कर सकते हो, इट इज नॉट ऑल्दो नेसेसरी मैं बोलूंगा, बट स्टिल आप ले सकते हो। अब इसमें प्रोटेक्टर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर हिप प्रोटेक्टर आते हैं, और उसके बाद नी में यहाँ पर प्रोटेक्टर आते हैं, काफी स्ट्रांग प्रोटेक्टर्स हैं। प्रोटेक्टर का लेवल होता है, अलग अलग सी लेवल के प्रोटेक्टर्स होते हैं, बट वो डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, वो तो आप जब वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा, बट इट इज गुड, पैंट लेना काफी अच्छी बात है, कंफर्टेबल होता है। और ये आ गया भाई साहब नेक्स्ट आइटम, ग्लव्स आपके, जो कि मैं बोलूंगा फिर से जरूरी है। अब आप बोलोगे, आप बोल रहे हो हर चीज जरूरी है, देखो जरूरी तो हर चीज है अगर आप राइड करते हो तो, बट हाँ ग्लव्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर लॉन्ग राइड पे नहीं भी जाते हो तो ग्लव्स पहन सकते हो, क्योंकि ऑफिस जाते हो डेली, आप राइड करते हो, ड्राइव करते हो, ऑफिस जाना ग्लव्स पहनना इसलिए बोल रहा हूँ जरूरी है क्योंकि आप छोटा सा केस देखिए, इनकेस आप जा रहे हो बाइक से, आपका हैंडल ऐसा है, और लेट से कोई ऑटो वाटो या कोई दूसरी बाइक का हैंडल यहाँ से अगर लग के निकल गया ना, तो भाई साहब बड़ी तकलीफ होने वाली है आपको फिंगर्स में, तो इसलिए ये ग्लव्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ग्लव्स अगर आपको नजदीक से दिखाऊं मैं, तो ये भी राइनॉक्स के हैं, एयर जीटी मॉडल है इसका, ये भी अराउंड मुझे 2750 के पड़े थे, और इन्हें भी लगभग 3 साल करीब हो गया है, कोविड के पहले ही लिया था, अब काफी ये वेयर एंड टेयर होने लगे हैं, तो दूसरा लेने का टाइम आ गया है, बट काफी अच्छा ग्लव्स है, काफी साथ दिया है इसने, तो ग्लव्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइटम है भाई साहब आपका रेन जैकेट, ये देखिए इस तरीके का, ये फ्लोरोसेंट कलर में आता है, और रेन जैकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप राइड करते हो और आपके जो राइडिंग गियर से वो काफी हैवी होते हैं, वो अगर गीले हो जाएंगे तो राइड करते टाइम तो वो सूख जाते हैं, बट स्टिल आप अगर ये पहनोगे तो आप काफी कंफर्टेबल रहते हो। जरूरी नहीं इसको आप राइडिंग लॉन्ग राइड करो राइडिंग गियर जैकेट के ऊपर ही पहनो, आप रेगुलर अगर राइड करते हो ऑफिस तक जाते हो तो भी आप ये पहन सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ये ना पानी को काफी हद तक रोकता है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कहीं से ओपनिंग नहीं है ना तो ये बहुत रोकती है पानी को। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बताता हूँ, हाँ H2GO Pro 3 राइडिंग जैकेट, ये मॉडल नंबर है इसका, और ये लगभग मुझे पड़ा था 1450 का। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों ये रेन पेंट ये भी राइनॉक्स का है राइट, तो ये भी आप ले सकते हो क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपकी जो राइडिंग पैंट है उसके ऊपर से आप पहन सकते हो। इसकी आप बढ़िया चीज दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए,
यहां से ना ये देखिए ये पेन, यहां से ये ना ऐसा पूरा ओपन हो जाता है, ये पूरा ऐसा ओपन हो जाता है, ताकि आप राइड कर रहे हो, अचानक से बारिश आएगी तो तुरंत आप गाड़ी साइड में लगा के इसको फटाफट अपने शू के ऊपर से भी पहन सकते हो। तो इतना बड़ा ओपनिंग होता है इसमें दोनों पैर का, ताकि इजी पड़ता है ये। और फिर उसके बाद आप ऐसे जिप लगा लो नीचे तक और ये बढ़िया बन जाती है। तो ये अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ये भी आप ले सकते हो। ये भी अराउंड मुझे 1450 की पड़ी थी, राइनॉक्स की है ये भी। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों ये बंजी कॉर्ड, काफी उलझ गया है अभी। ये बंजी कॉर्ड मार्केट में कई कंपनीज के थ्रू आता है, जैसे मेरा ये जो है ये आई बिलीव मोटोटेक का है। मोटोटेक इज अ गुड ब्रांड जो कि काफी एक्सेसरीज बनाती है, और ये लगभग मैं आपको दिखाऊं तो अभी 1 2 3 4 5 6 हुक बंजी कॉर्ड है। सो बेसिकली इसका यूज ये है कि आप छोटी मोटी चीजें अगर आपके सीट पे पीछे रखना चाहो तो आप इससे ना पूरा पैक कर सकते हो। अब देखो हाथ में तो रख के लेके नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपको तो बाइक राइड करना है। तो लेट से अगर स्पेयर हेलमेट है आपका या छोटा मोटा बैग है तो आप इसको ना बहुत ही अच्छे से बंद कर सकते हो। इसके ये हुक रहते हैं, ये आपके बाइक में पीछे बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सेसरीज है आपको राइड के लिए। नेक्स्ट आइटम भाई साहब शूज, शूज तो मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ही आपको चाहिए, ये आप अगर छोटा राइड भी करते हो, ऑफिस जाते हो तो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाइक्स हैवी रहते हैं, उसके बाद आपका गियर लीवर और ये सब से आपके फिंगर्स को, पैर के फिंगर को नुकसान हो सकता है। तो चप्पल और सैंडल में तो कभी बाइक मत चलाइए, शूज बिल्कुल ले लीजिए। तो ये राइडिंग शूज है जो मैं अभी यूज करता हूँ, ये ओराजो की तरफ से है, इनका मॉडल है पिकस वाटरप्रूफ। ये लगभग मुझे पड़े थे 4399 के अराउंड, राइट। ये काइंड ऑफ वाटरप्रूफ है तो इसमें काफी कुछ पानी बचता है, बट हाँ शूज आप लेंगे, जरूरी नहीं है ये लें, जो भी लें, लेकिन बहुत जरूरी है शूज आप राइड करते टाइम पहनिए। नेक्स्ट आइटम दोस्तों बहुत ही मजेदार आइटम है, ये एक्चुअली स्टील बर्ड का शू कवर है जो कि शू को रेन से बचाता है। अब आप बोलेंगे शू तो वाटरप्रूफ है, इसकी क्या जरूरत है, तो एक्चुअली कितना भी वाटरप्रूफ हो शू, जब बारिश आती है ना ऊपर से तो कहीं से भी पानी घुस जाता है। तो ये मैंने यूजुअली लास्ट राइड, अगर आपने देखी होगी खांदी वाटरफॉल और पॉइंट, उसमें दिखाया था। तो काफी बढ़िया चीज है ये। ये देखिए इसमें यहाँ पर अगर देखें तो ये रबर लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपका जो गियर लीवर है उससे ये कटेगा भी नहीं। ये इस तरीके से ऐसे होता है जिसमें आप पूरा पैर डाल के शू बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ये काफी वाइड होता है, आराम से शू आपका एंटर हो जाता है। अब ये ऐसा रहता है इसके ऊपर रेन पैंट आ जाता है पूरा, तो आपका ना पैर पूरा बच जाता है, ताकि लॉन्ग राइड पे आपको कंफर्टेबल होता है। बारिश अगर होती है ना पानी घुस जाता है दोस्तों तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बढ़िया चीज है, स्टील बर्ड का है ये, अराउंड 850 का मुझे पड़ा था, तो कंसिडर कर सकते हो आप। इतना जरूरी आइटम नहीं है बट मेरे पास था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों ये भी राइनॉक्स का। आप बोलोगे भाई क्या राइनॉक्स की ब्रांडिंग कर रहा है, क्या स्पॉन्सरशिप, भाई छोटे मोटे ब्लॉगर है, अभी कोई ब्रांड अपने पास नहीं आता, बट हाँ कभी फ्यूचर में आया तो बहुत अच्छी बात है। बट ये सारी चीजें मैंने ही हैं जो ओवर टाइम खरीदी हुई हैं अपने लिए। सो ये वेस्ट पाउच है एक्चुअली दोस्तों, ये इसको आप ऐसे वेस्ट पे बांध सकते हो, और ये ना वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें ना ओवर द गो रख सकते हो। छोटी मोटी राइड पे जाते हो, सिटी में ही ट्रेवल करते हो तो इसमें डॉक्यूमेंट रख लो, वॉलेट और ये सब, तो ये बचेगा आपका, पानी से बचाएगा। ये एक्चुअली इस तरीके से पाउच होता है, इसमें आप रख लो और फिर उसको ऐसे फोल्ड करके ना यहाँ से बढ़िया ऐसे कवर लगा के अपने वेस्ट पे बांध लो। तो बढ़िया चीज है, अराउंड 1350 कॉस्ट किया था मेरे को। ज्यादा कभी ये यूज में अभी लेता नहीं हूं मैं, क्योंकि लॉन्ग राइड ही जा रहा हूँ, छोटे मोटे राइड पे ये काफी काम आता है, बट एक काम की चीज है, एसेंशियल नहीं है बट आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम भाई साहब आपका ट्रेल बैग। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, एक या दो दिन आपको घूमना है तो आपको एक बैग की जरूरत पड़ती है, और ये बैग आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पीछे सीट पे बांध सकते हो। ट्रेल बैग है ये भी, वाटरप्रूफ नहीं भाई साहब, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। मतलब बोले तो आंधी तूफान आएगा, आप उड़ जाओगे, गाड़ी उड़ जाएगी, ये नहीं उड़ेगा, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है भाई। तो इसमें भी आपको देखिए वो वेस्ट पाउच के जैसे इस तरीके से होता है,
जिसमें आप ये ऐसा काफी बड़ा एरिया है, मतलब काफी बड़ा साइज का है। एग्जैक्ट क्या है मैं लिंक दे दूंगा, तो आप डिटेल देख सकते हो। इसमें आप इसको ओपन करके ऐसे यहाँ पर सामान रख सकते हो, बढ़िया सेफ रहेगा। फिर इसको ऐसे बांध के क्लिप्स लगा के बाइक के पीछे बढ़िया तरीके से बांध सकते हो, ये देखिए साइड से। और ये बढ़िया एकदम वाटरप्रूफ है, बहुत सारे स्ट्रैप्स दिए गए हैं ऐसे, तो आप किसी भी टाइप की बाइक में ना नीचे करके पूरा बढ़िया तरीके से बांध सकते हो इसको। तो इसका मॉडल नेम है स्ट्रॉम प्रूफ एक्सपीडिशन ट्रेल बैग। ये अराउंड मुझे कॉस्ट किया था 4150 का। तो बढ़िया चीज है, एसेंशियल नहीं है, बट आप अगर लॉन्ग राइड करते हो तो आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। पूरा पानी से बचाती है, डस्ट से बचाती है, तो बढ़िया चीज है, कंसिडर कर सकते हैं आप। लास्ट आइटम है भाई साहब रैडा का टैंक बैग। ये आपने मेरी सारी राइड्स में देखा होगा, ये टैंक बैग है मैग्नेटिक। इसके पीछे अगर आप देखें तो इस तरीके से ये ऐसे फ्लैप्स होते हैं, इसमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैग्नेट लगे, तो ये ऐसे टैंक पर ऐसे चिपक जाता है। टैंक बैग अगर आपका है तो बहुत ही बढ़िया, उस पर ये चिपक जाएगा बढ़िया तरीके से। टैंक बैग नहीं है, अगर प्लास्टिक का बैग है तो इसमें स्ट्रैप्स आते हैं, तो उनको आप बांध सकते हो। काफी बड़ा साइज है एक्चुअली, इसमें ना चेन आप अगर ऐसे करो ना तो ये ऐसे बड़ा भी हो जाता है अभी। हाँ ये देखिए, ये अगर देख रहे इस तरीके से ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, तो काफी बढ़िया है। इसके बाद ये छोटा सा पाउच है, आप वॉलेट रख सकते हो, और ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ये भी पाउच है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हो। जीपीएस सीरीज वाला बैग है एक्चुअली ये, इसमें बोला गया इसका नाम जीपीएस सीरीज का, तो इसमें ना आप मोबाइल रख सकते हो, तो देख सकते हो। इसका कॉस्ट अराउंड 3059 लगभग था जब मैंने परचेस किया था, तो अराउंड इसको भी 3 साल से ऊपर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों, डस्ट रेजिस्टेंट, और इसमें ऐसे फ्लैप्स भी है, यहाँ आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो। और ये एक रेन कवर के साथ आता है, दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके का रेन कवर आता है जो उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है, तो बारिश से ये काफी बचा रहता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये एक्चुअली क्या होता है कि आपके शोल्डर्स पे ना कुछ भी लोड नहीं डालता है, इवन आप छोटा सा बैकपैक भी रख पे जाओगे पानी की बॉटल के साथ ना, तो शोल्डर पेन करने लगेगा आपका ड्यूरिंग राइड, लॉन्ग राइड पे। तो सजेस्टेबल है कि एक टैंक बैग ले लीजिए, आपके हैंड्स भी फ्री रहेंगे, बॉडी पे भी कोई लोड नहीं आएगा, तो ये बढ़िया यूटिलिटी है। ये अराउंड मुझे पड़ा था 3059 का, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो आप ऑफलाइन शॉप से भी देख सकते हो, बढ़िया चीज है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन और ये वीडियो? तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं राइडिंग के लिए, कुछ बहुत ही जरूरी है जैसे हेलमेट, शूज, ग्लव्स, जैकेट एटलीस्ट। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो एड ऑन है, बट जरूरी हर चीज है दोस्तों। थोड़ा सेव करिए अगर खर्चा इतना नहीं करते तो, और अच्छे राइडिंग गियर्स लीजिए, ये आपको ना सेफ रखेंगे हमेशा। तो दोस्तों यही सब थे मेरे सारे राइडिंग गियर जो कि मैंने ओवर द टाइम परचेस किए हैं। ऐसा नहीं है एक साथ खरीदें क्योंकि कॉस्टली है काफी, पता है, बट उतना सेफ भी रखते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मुझसे, चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है, कमेंट से बहुत फायदा होता है मेरा, बहुत हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, फुल मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी अगर इन राइडिंग गियर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,